जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं वाराणसी डिफेंस एकेडमी। दोस्तों मैं आपको ये अपडेट देना चाह रहा हूं कि जो हमारे बनारस बीआरओ के सीईओ साहब थे उनका पोस्टिंग आ चुका है। 2 से 2.5 साल का कार्यकाल उनका तकरीबन समाप्त हो चुका है। इस कार्यकाल के दौरान बनारस बीआरओ की जो भी भर्ती आनी थी वो नहीं आई है। इन्होंने कोई बनारस बीआरओ का भर्ती नहीं कराया है। इन्होंने 1-2 जगह भर्ती, इनके कार्यकाल के दौरान 1-2 जगह इन्होंने भर्ती का शेड्यूल इनके साथ रहा है। आगरा का रहा है, बरेली का रहा है, इस टाइप से इन्होंने भर्ती कराया। बट बनारस बीआरओ का जो सीईओ थे और उन्होंने बनारस बीआरओ पे भर्ती नहीं किया और इनके कार्यकाल के टाइम पे भर्ती नहीं आया। इनके साथ जो दूसरे सीईओ साहब आने वाले हैं, बनारस के जो दूसरे सीईओ आ रहे हैं वो महार रेजिमेंट से हैं। कौन से महार से हैं ये मैं आपको अपडेट दे दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये नई युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए कि जो भर्ती देख रहे हैं लोग उनको ये पता होना चाहिए कि जो बनारस के सीईओ साहब हैं वो उनके चेंज हो चुके हैं और नहीं हुए हैं तो 1 तारीख को चेंज हो जाएंगे। देश के चीफ, जिस हिसाब से देश के चीफ चेंज हो रहे हैं और इसी तरीके से हमारे सीईओ साहब भी चेंज हो रहे हैं, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। हो सकता है आपके जीके में भी पूछ दिया जा सकता है कि देश के नए चीफ क्या है, उनका नाम क्या है। मनोज पांडे नाम है उनका और हो सकता है ये चीफ अपने हैं, वो CDS का पदवी संभाल सकते हैं। इसके साथ ही अपने सीईओ जो चेंज हो रहे हैं उनका नया जो स्थान ले रहे हैं वो महार रेजिमेंट के सीओ साहब हैं। आपके अगला जो कार्य प्रणाली रहेगी वो महार के सीओ साहब ही आपको देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।